जी बोलिए, प्रणाम। हाँ सर, मेरे को ना कोई 5-6 साल हो गया सर, मेरे को ना कोई ऐसे, मेरे को नाइट फॉल्ट होता रहता है जी, जी सर। मेरे को नाइट फॉल्ट होता रहता है सर, मेरे को सपन दोष भी होता है, मेरा लिंग है ना वो सर पूरा थोड़ा कमजोर पड़ गया है। चलिए मैं आपको उपाय बताता हूं। काफी लोग बोलने में संकोच करते हैं, लेकिन ये 15 से और 25-30 साल तक के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। 15 से 30 साल के लोगों की तो बहुत बड़ी समस्या है, और अविवाहित लोगों की भी बहुत बड़ी समस्या है, और कई बार तो जो इस अध्यात्म मार्ग पर आ जाते हैं, सन्यासी आदि, उनके लिए भी एक समस्या होती है, लेकिन बोलते नहीं हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सकुचाते हैं, तो आपकी समस्या का मैं बहुत सटीक समाधान बता रहा हूँ। सामान्य रूप से आंवला चूर्ण खाने मात्र से ही ये स्वप्न दोष की, नाइट फॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फिर भी किसी को ज्यादा समस्या है तो इसमें शतावर चूर्ण, बेटियों को, चाहे वो ओवर ब्लीडिंग है, चाहे वो लिकोरिया है, बेटियों के लिए वैसे शीशम के पत्ते और नागकेसर आदि ओवर ब्लीडिंग में, और उनको अशोकारिष्ट आदि दूसरी औषधियां भी हम बताते हैं, लेकिन बहनों को भी, जिन उसको अंग्रेजी में व्हाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, और इधर पुरुषों को, जिसको स्वप्न दोष बोलते हैं, नाइटफॉल बोलते हैं, उसके लिए शतावर एक बहुत अच्छी औषधि है। तो 2 से 3 ग्राम शतावर ठंडे दूध के साथ, यदि किसी की कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है, सर्दी बहुत लगती है, मसल्स में पेन आदि रहता है, तो थोड़े गुनगुने दूध से भी ले सकते हैं। वैसे जिनको नाइटफॉल रहता है, उनको हम गर्म दूध पीने की मनाही करते हैं। एक एक चम्मच, माने 2 से 3 ग्राम शतावर चूर्ण लेने से नाइटफॉल की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। गिलोय गोखरू आंवला, इसको रसायन चूर्ण भी बोलते हैं। गिलोय आप सबको पता ही है, गोखरू एक छोटा दाना होता है, और आंवला, इसका भी पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से इस रोग में लाभ मिलता है। जहाँ तक अब इसके कारण हैं अलग अलग, जैसे किसी की बहुत पित्त प्रकृति है, बहुत गर्मी है शरीर के अंदर, उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसके निवारण के लिए एलोवेरा और आंवला, ये सुबह खाली पेट पीने से इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। फिर इसमें बड़ी भूमिका रहती है, रात को ज़्यादा खाना ना खाएं, रात को सोते समय भगवत चिंतन करें, ओंकार या गायत्री का जप करके सोएं, ठंडे पानी से हाथ मुंह धो करके, अभी सर्दी है तो थोड़े से गुनगुने पानी से धो लें, हाथ मुंह धो करके शयन करें, तो इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिनकी कफ प्रकृति है, जिनकी वात प्रकृति है, वो चंद्र प्रभाव टी, पुरुष और महिलाओं को जिनको वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम हो, स्त्री रसायन एक एक गोली का सेवन करते हैं, तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ी समस्या है, लोग इसको छिपाते हैं, इसलिए सामान्य भाषा में इनको गुप्त रोग बोलते हैं। और इन यौन रोगों के संदर्भ में, जिसको अंग्रेजी में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, काफ़ी बड़ा विकृत रूप ले लेते हैं, तो उनके लिए मैंने एक समस्या समाधान बता दिया।